अठेर सिले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्स के, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव भरत, सो पल पल ए रस पीवत, प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्रृंगार के इस ग्रंथ में यह दर्शाया है कि हमारी आत्मा अक्षरातीत के चरण कमलों का रसपान करके क्या प्राप्त करती है। अति मीठे रसीले रंग भरे, जैसे अक्षरातीत का हृदय है मधु, वैसे ही उनका मुखारविंद है और वैसा ही उनका चरण कमल भी है। कोई अंतर नहीं है। काल माया के संसार में स्थिति कुछ और होती है। हृदय कठोर भी हो, चेहरा कुछ कोमल भी हो सकता है। चेहरा कठोर भी हो तो हृदय कोमल भी हो सकता है। हो सकता है मुखारविंद सुंदर हो और पैरों में विवाही फिटी हो, लेकिन परम धाम ऐसा नहीं है। परम धाम का एक एक कण अक्षरातीत का स्वरूप है। वाणी कहती है, रूहे बेन याज थी बीच बका 12,000। परम धाम में 12,000 ब्रह्मसृष्टियां बेसुध थी। बेसुध होने का तात्पर्य क्या है? उनको खुद के अस्तित्व का बोध नहीं था। ये मालूम था कि हम ब्रह्मात्मा है, लेकिन राज्य के प्रेम में उनको बेसुध कहा गया है। इसका क्या कर्म है? सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर से निकलती है। बहुत बड़ा शिलाखंड है जिसको हिमखंड कहते हैं। हिमखंड का वही जल पिघलता है जो मानसरोवर झील के रूप में निकलता रहता है, और वहीं से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। यह प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। गर्मी में जो जल पिघलता है वो अखंड स्रोत सा बना रहता है मानसरोवर में, और सिंधु नदी बहती रहती है। जब सिंधु नदी प्रवाहित होती है तो उसकी लहरें बहती हैं। हिमखंड में लहरें नहीं निकलती। वो जल तो एक ही है, मूलतः तत्व तो जल है। कभी वो बह रहा है, कभी वो घनीभूत रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जब घनीभूत है तो हिमखंड कहला रहा है, जब बहने लगा तो सिंधु नदी या मानसरोवर की झील का जल कहला रहा है। झील में लहरें भी उमड़ रही हैं, सिंधु नदी भी जल कहला रहा है। झील में लहरें भी उमड़ रही हैं, सिंधु नदी में भी लहरें उमड़ रही हैं। वहां बहते हुए जल के दो रूप हो जाते हैं, एक जल का प्रवाह और दूसरा लहरें। लहरें समझती हैं कि हम इसके जल से अटखेलियां कर रही हैं। उस समय देखने पर लगता है कि जल कुछ और है, लहरें कुछ और हैं। जल असीम है और लहरें ससीम है। आंतरिक रूप से जब देखेंगे तो जल एक ही है, चाहे वो लहरों के रूप में हो, चाहे मूल जल के रूप में हो। जब वही जल एक निश्चित तापक्रम पर ठंडा कर दिया जाएगा तो पहले जैसे हिमखंड के रूप में दिखाई देगा। यही कहानी है परम धाम के स्वलीला अद्वैत प्रेम की। एक ही अक्षरातीत का हृदय 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कहीं वो इस सामाजिक के रूप में है, कहीं सखियों के रूप में है, कहीं खूब खुशालियों के रूप में है, कहीं 25 पक्षों के रूप में है। क्रीड़ा हो रही है प्रेम की। सब समझ रहे हैं कि हम राज्य को रिछा रहे हैं। इस मायावी जगत में भी हमारे साथ यही घटित हो रहा है। जब तक हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है तब तक हमको ये संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। मन चित बुद्धि अहंकार के आधार पर हम संसार को देख रहे हैं। कदाचित हम अपने मन बुद्धि चित अहंकार को संसार से समेट लें तो लगता है कि कुछ नहीं बचा। मन चित बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म पदार्थ हैं। हम अपनी स्थूल आंखों को बंद कर लें और संसार को देखना बंद कर दें
चुका नहीं है, अंधेरा हुआ है। हमारी अंतर्दृष्टि जब तक परम धाम की तरफ न मुड़े, अपने स्वरूप में ना डूबे, तब तक हमें यह बोध नहीं हो पाता कि वास्तव में हम हैं क्या। मैंने एक छोटा सा दृष्टांत दिया है था जल का। घनीभूत जल जब द्रवीभूत होता है तो क्रीड़ा में निमग्न होता है, अन्यथा वो ठोस जमा रहता है। उसी तरह से एक अक्षर अतीत का दिल जब अपने मूल स्वरूप में है तो कहते हैं कि ये मारिफत का स्वरूप है, और जब वही अक्षरातीत का हृदय क्रीड़ामग्न हो गया तो राज्य का स्वरूप अलग दिख रहा है, श्यामा जी का स्वरूप अलग दिख रहा है। श्यामा जी राज्य को रिझा रही है, सखियां राज्य को, श्यामा जी दोनों को रिझा रही है। खूब खुशहालियां राज्य, श्यामा जी सखियों सबको रिझा, पशु पक्षी खूब खुशहालियों को भी रिझा रहे हैं, श्यामा जी सखियों और राज्य को भी रिझा रहे हैं। सब एक दूसरे के प्रेमी बने हुए, लेकिन किसी को यह पता नहीं कि सबके प्रेम का मूल क्या है। हम सुंदर सात माया की झूठी सी दुनिया में आए हुए हैं, जिसमें सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, धरती आकाश सब दिखाई दे रहे हैं, और लगता है कि यह है क्योंकि सारी सृष्टि इसी में तो पल बढ़ रही है, इसी को तो सब कुछ मानती है। जब हमने अपने स्वरूप में स्वयं को डुबो दिया तो लगता है कि कुछ नहीं है। तभी तो कहा है सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, वाणी कहती है तुम्हें उतर आए अरसे तो तुम्हें क्यों मिला, तुम्हें दही सुदर्श की जो अर्श में हुआ। जब अक्षरातीत जो मूल मिलावे में मूल, तुम्हें दही सुदर्श की जो अर्श में हुआ, जब अक्षरातीत जो मूल मिलावे में मूल स्वरूप से विराजमान है, आवेश स्वरूप से इस संसार में आए हैं, जब आवेश स्वरूप से आए हैं तो पूर्ण है। पूर्ण अक्षरातीत का आवेश महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, और अपने हृदय के सागर से इल्म की एक बूंद महामती जी के हृदय में जो डालता है तो वो स्वयं सागर बन जाती है वो बूंद। यदि परम धाम में हम बेनियाज थे तो इस संसार में भी वेशुद्धि का अवसर मिल सकता है। वेशुद्धि दो तरह से होती है, एक तो आनंद में डूबकर और एक माया में डूबकर। जो माया में डूबे होते हैं वो भी वेशुद्ध होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यही सब कुछ है। और जो राज्य के प्रेम में डूबते हैं उनको लगता है कि राज्य का प्रेम ही सब कुछ है और ये माया कुछ नहीं है। एक और अवस्था आती है जब हम वाणी का प्रकाश लेकर राज्य के हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसका रस कुछ और होता है। वह रस सबसे भिन्न होता है जो परम धाम से भी नारा होता है, क्योंकि परम धाम में जो राज्य के प्रेम में डूबना था, राज्य के हृदय की पूर्ण पहचान नहीं थी। अब पहचान बिना गिरो क्या करे या यारे अर्शीदार, इस वाणी ने हमें पहचान दे दी। पहचान के बाद प्रेम का रस कुछ और ही होता है कि कैसे, जैसे जब तक हम माया की बेसुधि में होते हैं तो वाणी कहती है कि जब तक हम नींद में होते हैं, जब जागी हक इल्मे भूली सिर अफसोस, जब तक लेकिन जागृत होने के बाद क्षमा नहीं, क्योंकि जागृत वाणी ने हमें पहचान कराती है अपने स्वरूप की, परम धाम की। अब वाणी के ज्ञान से पहचान करके हमने संसार को छोड़ने का प्रयास किया, हमारा दिल अब संसार से कम लगने लगा, राज्य की तरफ लग रहा है। संसार की कोई भी वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, राज्य के नख से सिख तक धनी की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। जो प्रेम का स्वरूप है उसका चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा। जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो लगता है कि यही तो संसार हमारा सब कुछ है। पति पत्नी में गहरे रिश्ते होते हैं, भाई बहन में गहरे रिश्ते होते हैं, मित्र मित्र में गहरे रिश्ते होते हैं। संसार के रिश्ते गहरे लगते हैं लेकिन वास्तव में ये होते नहीं है, क्योंकि माया का ये झटका इन
क्योंकि माया का ही झटका इन रिश्तों को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि हम में से सुंदर साथ एक एक करके अपना शरीर छोड़ते जाते हैं, हम कुछ दिन दुखी होते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, फिर भी कोई इस मोह की निद्रा को छोड़कर जागृत होना नहीं चाहता कि वास्तव में हम है कौन। यदि हमें यह बोध हो जाए कि जो अक्षरातीत हमारा प्राणेश्वर है हमारी आत्मा के धाम हृदय में बैठा है, उसकी तरफ नजर कर ले तो हमारा ये संसार का स्वप्नमयी मोह किसी भी तरह से हमारे और धनी के बीच में पर्दा नहीं बन पाएगा। एक सामान्य सी बात है, हम राज्य से ज्यादा प्रेम क्यों नहीं कर पाते या राज्य के लिए ज्यादा समय क्यों नहीं निकाल पाते। सबका एक ही उत्तर होता है, क्या करें, इतना बोझ है काम का कि अभी हम समय नहीं दे सकते। क्या करें, इतना बोझ है काम का कि अभी हम समय नहीं दे सकते। काम के बोझ ने हमारी चितवनी के समय को कम कर रखा है, वाणी चिंतन के समय को कम कर रखा है, सुंदर साथ के प्रति आत्मीय रिश्तों में हमारी बहुत कमी है। इसका कारण क्या है, संसार हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। जैसे यदि कहा जाए कि सामान्य रूप से आधा घंटा चितवनी कीजिए, एक घंटा चितवनी कीजिए, तो एक घंटा को हम आधे घंटे कर लेते हैं, आधे घंटे को 15 मिनट कर लेते हैं, कभी जल्दी होती है 15 मिनट को 5 मिनट में निपटा लेते हैं। लेकिन हमारे संगे संबंधियों के रिश्तों में कहीं खटास न हो जाए, कोई नाराज न हो जाए, उसमें हम कमी नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि राज्य के प्रति हमारे हृदय में वास्तविक प्रेम नहीं है। यदि वास्तविक प्रेम हो जाए तो जिस समय हमारा तन नहीं रहेगा तभी तो संसार का काम चलता रहेगा। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं और यही भूल है, क्योंकि हमारे सामने संसार दिख रहा है। सूरज उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, रात आ रही है, दिन उग रहा है, धरती घूम रही है, चंद्रमा नक्षत्र सभी घूम रहे हैं, ये और ये सब कुछ सपने के हैं। आंखें बंद किया तो लगा कि नहीं कि धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है। एक ऐसा भी समय आए जब हमें लगे कि हमारा शरीर भी नहीं है। जिस क्षण लगे हमारा शरीर भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, केवल एक है, तो प्रीतम का प्रेम, प्रीतम का स्वरूप और हमारी आत्मा, तो अब समझ लीजिए हम सच्चे हृदय से राज्य के प्रेम की तरफ चल पड़े। अन्यथा आंखें बंद करने के बाद तो पुनः एक नया संसार दिखाई देने लगता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के परिणाम स्वरूप हमारे हृदय में विचारों का एक समुद्र उठता है। उन विचारों को हम दबाने में लगते हैं तो परिणाम यह होता है कि हमारे चितवनी का कीमती समय राज्य के चरण कमलों की एक शोभा की झलक मिल जाए, जिसको इस चौपाई किसी के पूर्व की चौपाई में कहा है कि चकलाई इन कदम की सुख सलुकी देत। राज्य के चरणों की जो शोभा है हमारे हृदय में अखंड सुख का संचार करती है। जो मुखारविंद है उसको देखने में कितना आनंद आएगा, हमारी आत्मा जीव पर बैठकर खेल को देख रही है। जीव ने इस शरीर को धारण किया है और जीव को घेर कर मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे जुड़े हुए हैं। मन सभी इंद्रियों का राजा है। हम अच्छी वस्तु देखते हैं आंखों से, जीवा से अच्छा पदार्थ चखते हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं, कान से मधुर ध्वनि सुनते हैं, तो हमारे मन को अच्छा लगता है। मन को जो अच्छा लगता है तो हमारे मन को अच्छा लगता है। मन को जो अच्छा लगता है वह जीव को प्राप्त होता है। चितवनी में बैठते समय आपने पांचों इंद्रियों के विषयों को रोक दिया, आंखें रूप को ना देखें। जिस संसार को देख करके खुश हो रही थी उसका रास्ता आपने बंद कर दिया। नासिका सुगंध को नहीं ले पा रही है, कान से मधुर आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप एकांत में बैठ गए हैं, खिड़कियां बंद करती हैं, संगीत बंद हो चुका है। फिर मन जो लाखों जन्मों से विषयों का सेवन करता आ रहा है वो व्याकुल होना चाहेगा, उसको आनंद चाहिए। अब तक वो माया में भटक कर आनंद ले रहा था। तारतम वाणी के ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय तक पहुंच चुका है, अब उसको लेकर वो राज्य के चरणों की तरह देखना चाहता है। जैसे उसके मन का वेग थोड़े समय के लिए कम होता है तो ऐसा लगता है कि राज्य के चरण के मन
का वेग थोड़े समय के लिए कम होता है तो ऐसा लगता है कि राज्य के चरण कमल सामने आ गए। अभी चितवनी नहीं लगी है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश ऐसा स्वरूप खड़ा कर रहा है कि सचमुच राज्य के चरण कमल ऐसे हैं जैसे श्रृंगार में कहा है, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। आपकी बुद्धि में ऐसी विवेचना है ये कि राज्य का मुखारविंद ऐसा होगा लालिमा से भरपूर। मन के सारे व्यापार जब द्वंद होते हैं तो जीव को थोड़ा सा अवसर मिल जाता है अपने स्वरूप में स्थित होने का, अन्यथा मन जीव को चारों तरफ भटकाता रहता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार के माध्यम से ही जीव बाहर के संसार में भटक रहा है, अन्यथा वो दृष्टा है। और इसी तरह आत्मा दृष्टा है खेल की, वह जीव के ऊपर बैठकर जीव के माध्यम से जो जीव देख रहा है अंतःकरण के माध्यम से, अंतःकरण देख रहा है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां संसार का रस स्वादन कर रही है शरीर के माध्यम से, और आत्मा संसार का सुख दुख देख रही है जीव के माध्यम से। चितवनी में शरीर भी स्थिर हो गया, इंद्रियां भी बाहर के व्यापार से रहित हो गई, मन के शांत होते ही जीव को अपने स्वरूप में देखने का आभास होगा कि मैं अब तक कहां भटका था, मैंने तो इस हड्डी और मांस के शरीर को ही अपना रूप माने बैठा था। जब जीव को अपने स्वरूप का बोध होगा तो क्या सोचेगा कि नाना यौन सहस्त्राणी मयूस्तानी वाय, मैंने असंख्य योनियों में जन्म लिया, असंख्यों बार मेरा जन्म हुआ, असंख्यों माता पिता को मैंने देखा, कभी किस योनि में कभी किस योनि में, मुझे तो अपने स्वरूप का बोध ही नहीं था। प्रकाश पाकर अक्षरातीत के नक्श से सिख तक की शोभा को देखा है, वो रस कुछ न्यारा ही है। अब आत्मा जब देखती है कि जीव ने बाहर के संसार को देखना बंद कर दिया और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत के नक्श से सिख तक की शोभा में लगने लगा है, वहां से शुरू होता है आत्मा का प्रेम, और यही प्रेम अखंड होता है। महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर राज जी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब एक ब्रह्मात्मा के साथ घटित होती है कि किस तरह से हमारी आत्मा राज्य के चरण कमलों को देखेगी। कह रहे हैं, हृदय जो रू के चुभत रू सोई जाने चुलित। चुभने का अर्थ क्या है? आप हिमालय पर्वत पर घूम रहे हैं, कदाचित ऐसा दृश्य आप फूलों के सौंदर्य में, हिमालय के बर्फ और प्रकाश की किरणों से बनने वाले सौंदर्य में मुक्त हो गए। आपने पूरा हिमालय घुमा, लेकिन यह दृश्य आपको बार बार याद आ रहा है, उसको कहते हैं हृदय में चुभना। एक तो देख करके अनदेखा कर देना, क्योंकि आपके हृदय में वो बात नहीं बसी, लेकिन राज्य की मनोहारी सूरत ऐसी है, इस संसार में जितना भी सौंदर्य है, जितना भी प्रेम है, उसका अनंत गुना सौंदर्य राज्य के मुखारविंद के दर्शन में प्राप्त होती है। ये ठीक है, इन आंखों ने संसार का सौंदर्य देखा है, लेकिन अंतर की आंखें जिस दिन परब्रह्म के अनंत सौंदर्य को देख लेंगी, उस दिन ये लगेगा कि हम इस स्वप्न के संसार में तो कुछ था ही नहीं। अब हमारी आत्मा राज्य के उन चरणों की तरफ मुड़ रही है। ए चरण मेहर करे जिनों पर ताई देत हृदय पूरन स्वरूप। चरणों की कृपा क्या है? मुखारविंद की आकृति अलग अलग प्रकार से हो जाती है। हर सुंदर साथ का प्रश्न होता है कि जिन राज्य के चरणों को हम देखा नहीं, उसको ध्यान में बसाएं कैसे, धारणा में कैसे लें, और इसके लिए मूर्ति का आधार लिया जाता है, चित्र का आधार लिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चित्र या मूर्ति जड़ होती है, जड़ का चिंतन करेंगे आपके अंदर जड़त्व पैदा हो जाएगा। किसी ने राज्य श्यामा जी का काल्पनिक चित्र बना दिया, सुंदर साथ ने उसको सेवा में रख लिया, परिणाम क्या होगा? जैसा चित्र होगा वैसे ही कभा होगा। लेकिन आप राज्य के चरणों का ध्यान करना शुरू कीजिए। छोटा चरण आता है, बड़ा चरण आता है,
हमारी आत्मा राज्य के चरणों को देखना चाहती है। और आंखों से संसार को देखना बंद कर दीजिए, मन से संसार को देखना बंद कर दीजिए। मन इंद्रिय आंख सहित सभी इंद्रियों का राजा है। जब आंखों से आपने देखना बंद कर दिया तो चित्त ने जन्म जन्मांतरों में जो देखा है वो मन को प्रेरित करेगा कि तुम्हें इस जन्म में ऐसा देखा था, इसको देखो। एक ऐसी घड़ी आ जाएगी जब चित्त भी थक जाएगा, मन भी थक जाएगा, तो क्या होगा? जब इंद्रियों का, मन का, चित्त का व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप दृढ़ संकल्प के साथ राज्य के चरणों को एकटक देखते जा रहे हैं। हमेशा यह भाव बनाइए कि लांग तली लाल इंडिया मेरे जीव की जीवन। परिणाम क्या होगा? आपके हृदय में जो विरह का ज्वार उठता रहेगा, उस विरह के ज्वार के कारण नख से सिख तक की शोभा अनायास ही आपके हृदय मंदिर में उभरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अक्षरातीत कहीं दूर नहीं बैठा है। सृष्टि के किसी भी कण में अक्षरातीत का नूरी स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये संसार स्वप्नवत है, लेकिन अक्षरातीत आपकी आत्मा के धाम हृदय से भी निकट है, इतना निकट है जिसकी बुद्धि आप सोच नहीं सकती। तभी तो कीर्तन में कहा है, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अतखिन पिउ न्यारा नहीं माही रहे हिलमिल। आधे क्षण के लिए भी राज्य हमसे दूर नहीं है। हम चितवनी करते करते वर्षों गुजार देते हैं, लेकिन राज्य का दीदार इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं कि हम हैं कौन। परात्म की भावना से हम भावित नहीं हो पाते, शरीर से हमारी नजर नहीं हट पाती, संसार से नजर नहीं हट पाती। चितवनी में बस इतना करना है कि राज्य के विरह से नजर नहीं हट पाती। चितवनी में बस इतना करना है कि राज्य के विरह में चरणों का आधार लेकर इतना डूब जाना है कि हमें शरीर की प्रतीति न हो। शरीर से, मन से अपने को हटा लीजिए, फिर देखिए आपने जो सागर श्रृंगार का ज्ञान हृदय में आत्मसात किया होता है, आपके हृदय मंदिर में, धाम हृदय में स्वयं दिखने लगेगा। और यही रहस्य है, ये चरण मेहर करे जिन ऊपर ताई देत हृदय पूर्ण स्वरूप। पूर्ण स्वरूप आ जाएगा। आप चिंता न कीजिए कि चरणों को देख रहे हैं तो मुखारविंद कैसे आएगा। ये परम धाम है, परम धाम में एकत्व है, वहदत। कहीं भी आपका मन सच्चे हृदय से राज्य से जुड़ गया, और जोड़ने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मन को पूर्णतया शांत कर देना है, उसमें कोमलता भरनी है, हृदय कोमलता भरनी है, हृदय में निर्विकारता भरनी है। प्रेम और मोह में सूक्ष्म अंतर होता है। मोह कुछ चाहता है, पत्नी से आसक्ति हो सकती है, पति से आसक्ति हो सकती है, मित्र से आसक्ति हो सकती है। चाहत को मोह कहते हैं, लेकिन चाहत के साथ स्वयं को लुटाने की प्रवृत्ति आ जाए तो मोह नहीं, प्रेम बन जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? मोह की तरह ही हम चाहेंगे, लेकिन हम स्वयं को मिटा देना चाहेंगे। उस प्रेम के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप चितवनी करते हैं और ये चाहें कि राज्य हमको दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी बना दे, हमारे जैसा कौन कोई न रहे, तो ये प्रेम में ताक लग गया। यदि आप प्रेम के में ये चाहते हैं कि राज्य मेरे सामने आइए, ये आपका अधिकार है, मुझे दीदार दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, ये आपका अखंड अधिकार है। वैसे ही संसार में परमधाम की ब्रह्मात्माओं के माध्यम से प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म से चिलाईत, ये प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनिया में कित। गोपियों के तनों में परमधाम की आत्माएं बैठी हैं, श्री कृष्ण के तन में राज्य का आवेश लीला कर रहा है। गोपियां कोई पढ़ी लिखी भी दूसरियां नहीं है। वाणी कहती है, सूरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आईया जाको वेदी कही अगम। वेदों ने जिस परमात्मा को मन वाणी से परे कहा, गोपियों ने अपने प्रेम के बल पर उनको प्राप्त कर लिया। गोपियों का प्रेम कैसा है? निर्विकार, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहत नहीं। श्री कृष्ण
से गोपियों का अखंड संबंध है। तन गोपियों का है, उनके अंदर परम धाम की आत्माएं जैसे समुद्र और उसकी लहर। संसार को दृष्टांत देने के लिए ब्रज की लीला बहुत महत्वपूर्ण है। गोपियों की सुरता महाराज में चली जाती है, तब भी जब श्री कृष्ण के अंदर अखंड बांके बिहारी के तन की शक्ति आ जाती है और वो मथुरा चले जाते हैं, गोपियां विरह में बिताते बिताते 100 साल की उम्र पूरी कर लेती हैं। उन्हें कृष्ण से गिला सिकवा नहीं है, कृष्ण के विरह में तड़पती हैं, लेकिन कृष्ण को कोई उलाहना नहीं देती। वृंदावन को उलाहना जरूर देती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों न चले। गोपियों का यही कहना है कि कृष्ण तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, जिस हाल में तुम खुश रहो हम खुश। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, जिस हाल में तुम खुश रहो हम खुश हैं। लेकिन कभी खींच नहीं दिखाई, कभी क्रोध प्रकट नहीं किया। ब्रज की गोपियों ने प्रेम करके दिखाया कि संसार में अक्षरातीत को रिछाया कैसे जाता है। हम सुंदर साथ मेहर सागर का गोटा पढ़ते हैं, पाठ पारायण करते हैं, किस लिए करते हैं कि राज्य हमारी इस इच्छा को पूरी कर दे। हम सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम नहीं करते। हमारा प्रेम संसार के उन भक्तों की तरह है जो कुछ भक्ति करके, कुछ माला पर जप करके कुछ न कुछ चाहत रखते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम अपना सब कुछ लुटा देता है, ये नहीं सोचता है कि मेरा क्या होगा। राधा ने श्री कृष्ण के प्रति सब कुछ लुटाया, गोपियों ने सब कुछ लुटाया, ये कभी नहीं सोचा कि हम जितना श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं श्री कृष्ण भी हमसे करते हैं कि नहीं। जब ये प्रश्न होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे करता है कि नहीं, तो इसको मोह कहते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न होता है हमारा हृदय प्रीतम परब्रह्म का है, राज्य तो प्रेम के सागर हैं, हम नहीं करेंगे तो भी वो प्रेम करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि इतने दिन मेहर सागर का पाठ करते हो गए, राज्य ने हमारी कुछ नहीं सुनी, तो इसका तात्पर्य है हमारे प्रेम के, हमारे हृदय में अभी पवित्र प्रेम नहीं पैदा हुआ। और जिस क्षण राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देखते देखते हमारे हृदय में पवित्र प्रेम पैदा हो जाएगा, उस दिन हम कुछ नहीं कहेंगे। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं, जानो तो राजी रखो जानो तो दिलगीर। ये किस अवस्था में कही जाती है कि सब कुछ आप हैं, हमने आपको अपना हृदय दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, अब किस हाल में आप रखे हैं ये आपके ऊपर है। इंद्रावती जी की आत्मा उन्हीं स्थितियों का वर्णन करते हुए कह रही हैं, अति मीठे रसीले रंग भरे जाको ए चरण मेहर करत। यदि हमारे अंदर विरह का रस अधिक है तो हम सीधे राजी के मुखारविंद को भी देखें, जिनका हृदय शांत है, मन चंचलता से रहित हो चुका है। यदि वो भाव करते हैं कि अक्षरातीत का मुखारविंद कैसा है, तो पी नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, उस स्तर पर जा सकते हैं। अक्षरातीत के उन नेत्रों की तरफ देखें जो अक्षरातीत के हृदय के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, कांति है, एकत्व है, सब कुछ अनंत सागरों का रस भरा पड़ा है। जब हम नेत्रों की तरफ दृष्टि करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारी आत्मा के हृदय में उतरता जा रहा है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो अपने माता पिता या आचार्य की आंखों की भाषा पढ़ लेता है, माँ की आंखों की भाषा पढ़ लेता है कि माँ हमसे रुष्ट है या खुश है। उसी तरह से अक्षरातीत के नेत्रों की तरफ जब आपके नेत्रों की दृष्टि मिलेगी तो प्रेम का रस आपके अंदर आएगा। लेकिन जब आपका मन शांत अवस्था में नहीं है, आपके मन में द्वंद मचा हुआ है कि राज्य को तो देखा नहीं कैसे मुखारविंद आए, उस समय आपके लिए एक ही चारा है कि चरणों का ध्यान करें। क्योंकि जिसके ऊपर चरणों की कृपा हो जाएगी, चरणों की कृपा होने का तात्पर्य मेहर सागर के गोटे वाली कृपा नहीं, क्योंकि मेहर सागर के गोटा का तात्पर्य मेहर सागर के गोटे वाली कृपा नहीं,
क्योंकि मेहर सागर के गोटा का पारायण करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको पोता या दोहता पुत्र हो जाएगा, आपका व्यवसाय चल निकलेगा। वैसी मेहर नहीं, ए मेहर ए चरण मेहर करे जिन ऊपर, तय देत हृदय पूरण स्वरूप युगल स्वरूप चित चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। चरणों में जैसे ही आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा भी आपके धाम हृदय में दृष्ट गोचर होने लगेगी। इसलिए जहां आपका मन लगता है आप अपने मन को वही लगाइए। ये तो मन का खेल है, मन के हारे हारिए मन के जीते जी। इस मन को यदि आपने छूट दिया संसार में तो परिणाम क्या होता है, ये संसार का रस लेकर संसार में आनंद मानने लगता है। रस मगन भई सो क्या गवे का अर्थ क्या है, जो प्रीतम के प्रेम के रस में मग्न हो जाती है उसकी भाषा रुक जाती है, वो प्रवचन नहीं दे सकती, वो बड़े बड़े व्याख्यान नहीं दे सकते। और जिस परमधाम की आत्मा ने नख से सिख तक राज्य की शोभा को दर्शा लिया उसके लिए संसार क्या होता है। जैसे किसी वन में आग लग जाए तो उस वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी उड़ जाते हैं, वन से निकल निकल लगता है। इस संसार की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, हीरे मोती की खदानें, उनको कुछ भी मुंह में नहीं डाल पाती है, क्योंकि राज्य से अधिक कोई सुंदर नहीं है, राज्य से अधिक कोई निकट नहीं है। और जिसने राज्य के उस मधुर रस का रसपान कर लिया उसके लिए जीवन धन धन हो जाता है। हम जीवन में जब कष्टों का अनुभव करते हैं तो एक निराशा से घेर लेती है। निराशा क्यों घेरती है, ऐसा लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, यही हमसे भूल हो जाती है। हम यदि अभिमान करें अपनी विद्या का, अपने धन का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने रूप का, तो ये पतन का कारण है। लेकिन यदि हम निराश हो जाएं कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये उससे भी अधिक हानिकारक है। आपको ये भावना रखनी पड़ेगी कि मेरी आत्मा अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, प्राणेश्वरी है, हृदयेश्वरी है, रसेश्वरी है। हम न तो निराशावादी बने, रसेश्वरी है। हम न तो निराशावादी बने न अभिमानी बने, क्योंकि ये दोनों ही घातक है अध्यात्म में। हम जो हैं उसको समझे कि हम वास्तव में परब्रह्म के अंग स्वरूप हैं, और जब तक यह भावना नहीं लेंगे तब तक हमारी आत्मा परम धाम के 25 पक्षों में विहार भी नहीं कर पाएगी। सुख सोई जाने रू अरस के, जिन दिल दो पांव धरत। कैसा सुख होगा जिसके हृदय कमल में धनी के दोनों युगल स्वरूप चरण दृष्ट गोचर होने लगे, उसे बड़ा भाग्यशाली सृष्टि में कौन होगा। सुख सोई जाने रू अरस की, जिन दिल दो पांव भरत। चितवनी करते करते ऐसा आभास हो जाए कि राज्य के दोनों चरण का, चितवनी करते करते ऐसा आभास हो जाए कि राज्य के दोनों चरण कमल हमारी आत्मा के धाम मिट्टी में दृष्टगोचर होने लगे हैं। तो आप सोचिए, दोनों चरणों के दृष्टगोचर होते ही नख से सिख तक पूरा श्रृंगार आपकी आत्मा के धाम मिट्टी में आ जाएगा। फिर बाकी क्या रहा, अभी तक आप अपने को क्या समझ रहे थे, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, युवा। आप बाहर के संसार को देख रहे थे, दुखों का यह संसार, कोई रोगी है, कोई बूढ़ा है, कोई भूखों मर रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई चीख रहा है, ये तो संसार की कहानी है। बचपन बीतता है, खेलने कूदने की मस्ती होती है, युवावस्था होती है, इच्छा होती है संसार का सारा सुख देख लें। जब अधेड़ अवस्था आने लगती है 50 साल से बाद के बाद, तो एक छोटी सी निराशा होने लगती है कि क्या अब हम बूढ़े हो जाएंगे। 75 वर्ष के पश्चात साफ दिखने लगता है कि अब हम उसका प्राणेश्वर बस गया, उसको कोई चिंता नहीं होती है, न उसको बुढ़ापे का कष्ट होता है, न युवावस्था में ये उन्माद होता है कि हम संसार का सुख भूख लें, न बचपन में खेल कूद की मस्ती होती है। वो दृष्टा भाव से देख रहा है कि ये मेरा शरीर है, मेरे जीव ने धारण किया है, ये बचपन में कुछ और दिख रहा है, ये अवस्था में कुछ और दिख रहा है, बुढ़ापे में कुछ और दिख रहा है। वो संसार के बीच में रहते हुए भी सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, लेकिन किसी के मोह में नहीं बनता, क्योंकि मोह में स्वार्थ होता है।
मुंह में अपना और पराए का भेद होता है। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप होता है। प्रेम कहता है तुम्हारा ये स्तन का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार के का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम मात्र परम धाम के ब्रह्मात्मा हो और तुम्हारे से अक्षरातीत का अखंड संबंध है। हक हम में, हम हक में और हक बिना सबको। अब एक संसारिक दृष्टांत को समझिए। दो भाई, दो मित्र या दो संसार का कोई भी संबंधी हो, प्रिया प्रीतम हो, पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता मान लीजिए, उसको मोह कहिए या लगाव कहिए, जब घनिष्ठ प्रेम के बंधन में होंगे, या माँ अपने बेटे को गले लगाती है, छोटा बच्चा माँ के गले लिपट जाता है, तो एक क्षण के लिए बच्चा भी भूल जाता है, उसको लगता है कि केवल माँ है और माँ को भी लगता है कि केवल बच्चा है। मैंने एक सांसारिक दृष्टांत दिया, परम धाम में यही तो होता रहा है। पांचवी भूमिका की लीला में मार्फत की अवस्था आती है, जिसमें राज्य को लगता है कि केवल सखियां हैं और सखियों को लगता है केवल राज्य है। ये मार्फत की अवस्था। जैसे ही वो लीला समाप्त होती है, अष्टपैर की लीला में शेष, जैसे ही वो लीला समाप्त होती है अष्टपैर की लीला में से सभी लीलाओं में, पांचवी भूमिका की लीला को छोड़कर सभी लीलाओं में ये लगता है सखियों को कि हम परम धाम की अंगनाएं हैं, राज्य को रिझाना है, ऐसे करना है। पांचवी भूमिका में नहीं होता, रिझने रिझाने की बात नहीं होती है, रिझने और रिझाने से भी परम परे की बात कि दोनों एक स्वरूप होता है। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रो अजू क्यों न हो टुक टुक, रो अजू क्यों न हो टुक टुक। इसमें बहुत गहरा रस दामदरी ने भर दिया कि मासूब तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूब, मैं परम धाम की आत्मा अक्षरातीत की प्रियतमा हूं, मासूक हूं, और तुम अंगना के मासूक और मेरे प्राणेश्वर सुख हूं, और तुम अंगना के मासुक और मेरे प्राणेश्वर, मैं आपकी प्रियतमा हूं और आप मेरे प्रियतम हो, दोनों एक दूसरे के। जब यह द्वैत का संसार मिट जाएगा, जब तक ये दुनिया दिखाई दे रही है तब तक क्या लग रहा है, इस संसार की तरह हम भी तो राज्य से डरते हैं कि राज्य को समय पर भोग नहीं लगाएंगे तो राज्य कुछ नाराज हो जाएंगे, ये पाठ कर लेंगे तो राज्य खुश हो जाएंगे। हमने राज्य को एक देवता बना लिया है, हम उस प्रेम के पवित्र अटूट अखंड बंधन को नहीं जान पा रहे हैं कि अक्षरातीत से हमारी आत्मा का अखंड संबंध है और उस संबंध को न मृत्यु अलग कर सकती है न संसार अलग कर सकता है। जब ये बात हमारे समझ में आ जाए तो संसार के सारे कष्ट भी हमें कुछ नहीं लगेंगे। अभी तो जब तक धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होती, हम चीखना शुरू कर देते हैं कि राज्य इस झूठी दुनिया में क्यों लाए, क्यों हमको दुख दिखा रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि राज्य को कुछ समझ नहीं थी और हमें ज्यादा समझ आ गई है कि राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज्य ने जो भी किया है अपने हृदय की पहचान देने के लिए, क्या यह पहचान हमें थी कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। हम राज्य के अंदर है, राज्य हम राज्य के अंदर है, राज्य हमारे अंदर है, यह पहचान तो परम धाम में नहीं थी। और यदि पहचान होती तो रब्द क्यों होता? रब्द हुआ अक्षरातीत के स्वरूप को जानने के लिए। ये खेल का महाकारण है और इसलिए कहते हैं सो पल पल ए रस पीवत। राज्य के प्रेम का रस पल पल कौन लेता है? परम धाम की आत्मा है। ये रस कैसे प्राप्त होगा? मैंने कहा परम धाम में भी अनंत प्रेम का सागर बहता है। इस संसार में भी राज्य आए हैं तो आपके लिए प्रेम का सागर लेकर आए हैं, लेकिन जैसे मैंने कई बार चर्चा में कहा है, कोई भिक्षुक है झोपड़ी में रहता है, उसको ये पता नहीं है कि उसके झोपड़ी के नीचे संदूकों में बड़े बड़े हीरों की पेटियां रखी हैं,
जब तक पता नहीं रहेगा वो घर घर जाएगा, भिक्षा मांगेगा, भोजन ला करके भिक्षा का भोजन करेगा। जिस क्षण उसको पता चल जाए कि मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे हीरों का अपार भंडार भरा पड़ा है, वो घर घर जाकर भिक्षा क्यों मांगेगा। ऐसी ही हमारा हमारी स्थिति है। कहा है, इस कुसराही ले हाथ में पिलाओ अपने जाम, अपने हाथ अपनी अंगना जो अर्ज की तह दीजिए अपनोता। परम धाम में इश्क है और यहां पर हमारे लिए इश्क क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्वयं इश्क का द्वार बंद कर रखा है। वाणी कहती है, हुक्म में इश्क का द्वार खोल गया है। मूल स्वरूप ने अब हमारे लिए परम धाम का प्रेम का दरवाजा खोल दिया है, प्रेम का भी, अपने हृदय का भी। हमें उसमें प्रवेश नहीं करना। इश्क के स्वरूप को दिल में बसाए बिना इश्क का द्वार कैसे खुल सकता है? आज सारा सुंदर साथ का समूह हर कष्ट में रोता है, दुखी होता है कि हम दुख में दुख दुनिया देख रहे हैं। दिखाने वाला जब आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है तो वो सुख का सागर लेकर बैठा है या दुख का सागर लेकर बैठा है, ये तो सबको मालूम है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो नित सुख तो दुख तुमसे भागसी। हम दुखों को देख रहे हैं तो दुख हमको प्रतीत हो रहे हैं। यदि हमारी आंखों पर काला चश्मा होगा तो दूध भी काला दिखाई देने लगेगा। हमारे अंतर्दृष्टि यदि संसार से हट जाए तो संसार के सारे दुख होते हुए भी नहीं रहेंगे। और हमारी अंतर्दृष्टि जिस क्षण प्रेम के स्वरूप को देखने लगेगी तो जो परम धाम में अवस्था थी वही अवस्था प्रेम के स्वरूप को देखने लगेगी तो जो परम धाम में अवस्था थी वही अवस्था हमारी इस दुनिया में भी हो सकती है कि यहीं बैठे बैठे हम पांचवी भूमिका की भी स्थिति में जा सकते हैं। हमको यही लगेगा कि अपनी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम बसता है। हक नजीक सहरक से आड़ो पटन द्वार, हम इस चौपाई को बार बार पढ़ते हैं, मैं भी चर्चा में इस चौपाई को बार बार कहता हूं। सिंगार का दूसरा प्रकरण इसी विषय से प्रारंभ होता है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। जब परम धाम का प्रीतम हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है तो परम धाम का सारा आनंद हमारी आत्मा के धाम हृदय में क्यों नहीं होगा? परम धाम की वहदत का रस हमारी आत्मा के धाम हृदय में क्यों नहीं होगा? आठों सागरों का रस सार से नजर हटाकर उसको देखने की। और जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसके लिए सो पल पल ए रस पीवत फेर फेर प्याले रेत। अक्षरातीत कहते प्रेम की सुराही है और परमात्माओं का हृदय प्रेम का प्याला है। फिर प्याले लेत का तात्पर्य क्या है? हर क्षण वह आत्मा अक्षरातीत के हृदय से प्रेम का, सौंदर्य का, एकत्व का, ज्ञान का सारा रस अपनी आत्मा में उड़ेला करेगी। इसको कहेंगे कि अब मेहर की वर्षा हो रही है। तभी तो कहा है, दया सिंध सुख सागर इश्क गंज पर, वो प्रेम का सागर है। साके पिलावे शराब रूहे प्याले लीजियो, हक इसका आप भर भर प्याले पीजियो। ये नहीं सोचना हक इसका आप भर भर प्याले पीजियो, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परम धाम जाकर ही इसका रस पान करेंगे। इस माया की झूठी दुनिया में आए हैं तो राजी ने हमारे लिए परम धाम का दरवाजा यहीं बैठे बैठे खोल दिया है। अब हमारे ऊपर है कि संसार में रहकर हम राज्य के प्रेम का, आनंद का कितना रसपान करते हैं। और इसके लिए हमें शरीर से परे होने की प्रवृत्ति डालनी होगी। विपसना वालों को देखिए, उनको दो दो घंटा करके जब चितवनी कराई जाती है तो 8 घंटे तक करवा देते हैं। लेकिन उनमें शर्त रखी जाती है कि आपको इस चितवनी, इस ध्यान शिविर में भाग लेना है तो आपको मोबाइल जब्त करने होंगे। आप 1 हफ्ते तक घर वालों से बात नहीं कर सकते, अपने संगे संबंधियों से बात नहीं कर सकते, और शून्य निराकार का ध्यान उनको कराया जाता है। बेचारे शून्य निराकार तक के ध्यान में इतना त्याग कर सकते हैं, हम सुंदर में इतना त्याग कर सकते हैं, हम सुंदर साथ कहाँ खड़े हैं? यदि सरसावा में
सारी छूट दी जाती है, आपको कई बार भोजन जलपान भी कराया जाता है, फिर भी कितने पहुंचते हैं? 500 से ज्यादा संख्या कभी नहीं होती। 40 लाख का सुंदर साथ यदि सबको सामूहिक रूप से बुलाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 5000 भी चितवनी के लिए पहुंच पाएंगे। हम सुंदर साथ कहां खड़े हैं? हम तो दुनिया वालों से कई को सभी पीछे हैं। दुनिया वालों के पास परमधाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो हमसे कई गुनी तेजी से दौड़ रहे हैं। और यदि शिविर में जिसमें 500 की संख्या आती है विपसना वालों का नियम लगा दिया जाए कि आपको भी अपने मोबाइल जब्त करने होंगे, आप एक हफ्ते के शिविर में किसी से बात नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता है कि 500 में 50 भी रह जाएंगे। हमारी ये कहानी है, फिर सब कुछ सहन कर रहे हैं। हमारे लिए सारे आनंद के साधन जबरन दे रहे हैं, प्रकृति के सारे नियमों को तोड़कर। अन्यथा जब तक कोई निर्विकार नहीं होता तब तक अखंड में उसकी सुरता नहीं पहुंचती, उसको अखंड मुक्ति नहीं मिलती। राज्य ने यह नियम हमसे हटा दिया है। हमारे हृदय में प्रेम का झोंका आ जाए, विरह प्रेम आ जाए, तो भले ही हमारे हृदय में कुछ विकार भरे पड़े हैं, राज्य दर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम निराशा के भंवर में, आलस्य प्रमाद के भंवर में इतना भटक चुके हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, अकर्मण्यता है, कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायित्व है। यदि हमको बताया गया होता पहले कि लाओ प्यार करो दीदार, तुम्हें राज्य के दीदार करने का पूरा अधिकार है, तो शायद हमारे अंदर कुछ पुरुषार्थ करने की भावना होती, हम अपना हृदय राज्य को देने के लिए तैयार होते। लेकिन परंपरा से यही चलता रहा है, केवल माला का जप, सेवा पूजा हम करते रहे, परिक्रमा करते रहे। हम सोचते रहते हैं कि इनके कर लेने से राज्य कुछ खुश हो जाएंगे। अब एक प्रक्रिया चल रही है, वाणी का मंथन। वाणी का मंथन अच्छी चीज है, लेकिन सब कुछ यही नहीं है। वाणी के मंथन करने के पश्चात आपने राज्य को जाना, श्यामा जी को जाना, 25 पक्षों को जाना, इसको जानने के बाद भी तो कुछ करना पड़ेगा। जो नहीं जानता था उसके लिए पाठ है, उसके लिए मंथन है। आप सब कुछ जान गए तो इसके बाद भी तो कुछ करना होगा, अपनी आत्मा को राज्य के प्रेम में डुबाना होगा। राज्य के प्रेम में डूबे बिना आपको परमधाम के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, परमधाम के प्रेम का रस नहीं के प्रेम में डूबे बिना आपको परमधाम के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, परमधाम के प्रेम का रस नहीं पा सकते आप। और कबीर जी तो कहते हैं, मनीषी भी कहते हैं, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। जिसने उस प्राणेश्वर को पा लिया वो उनके हृदय मंदिर में प्रवेश कर जाता है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में उनको बसाकर उनके हृदय में इस तरह से स्वयं को डुबो देता है कि अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खो देता है। और इस परमात्मा को कहते हैं कि वो मार्फत के सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। उसके और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता, ये अधिकार हर सुंदर साथ का है। लेकिन इसके लिए हमें सागर श्रृंगार में जो कसौटी दी गई है उसके अनुसार अपने स्वयं को खरा सिद्ध करना पड़ेगा। ए अमल क्यों उतरे, महामती जी की आत्मा कह रही है, ये नशा कभी उतरता नहीं है। एक नशा माया का होता है, एक नशा शराब का होता है, और एक नशा होता है परमधाम के प्रेम का। शराब का नशा कुछ घंटों का होता है, लेकिन माया का नशा तो लाखों जन्मों से हमारा पीछा कर रहा है। जिन्होंने घर द्वार छोड़ा है उनको भी प्रतिष्ठा का नशा होता है, ये भी एक नशा है। लोकेशा, संसार में मुझे सब लोग अच्छा कहें, वित्तीय धन की इच्छा, हमारे आश्रम में अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़े, और दारेसणा, हमारे शिष्य में कोई कम न हो जाए। ये तीनों तृष्णाएं जैसे गृहस्थी को सालती हैं, वैसे महात्माओं को भी सालती हैं। तीनों तृष्णाओं से रहित कौन हो सकेगा? जिसके हृदय में केवल धनी की चाहत है, जिसने अपने हृदय में को धनी के लिए समर्पित कर दिया कि उसके हृदय में अब संभव से उसको ये संसार की तीनों तृष्णाएं छू भी नहीं सकती। और
जिसने प्रेम का नशा पी लिया। तभी तो नानक देव जी कहते हैं, नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। शराब का नशा तो उतर जाएगा, हो सकता है ज्ञान में डूबकर माया का नशा भी कुछ भी कम हो जाए, लेकिन यह प्रेम का नशा ऐसा होता है जो कभी भी उतरता नहीं है। और राज्य के प्रेम में परम धाम दिखेगा, हर पल राज्य दिखाई देंगे। जैसे हम आंखें खोलकर संसार को देखते हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है, धरती दिखाई देती है, आकाश दिखाई देता है, संगे संबंधी दिखाई देते हैं। हम परिवार में बैठ जाते हैं तो क्या लगता है कि सारी दुनिया परिवार तक ही तो है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, हंस खेल रहे हैं, बस क्या यही दुनिया है। हम ये नहीं सोचते कि इस परिवार में आने से पहले हम कहीं और थे, और जब शरीर छूट जाएगा तो इस परिवार को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जो छूटना है उससे पहले ही हम मोह से आसक्त हो, मोह से मुक्त हो जाए कि ये परिवार भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, क्यों नहीं हम राज्य के प्रेम में अपने को इतना डुबो लें कि उस प्रेम का रस पीने के बाद हमारी अंतर्दृष्टि कभी मूल मिलावे को देखे, कभी हौज कोसर को देखे, कभी मानिक पहाड़ को देखे, कभी राज्य के चरण कमलों की शोभा को देखे, मुखारविंद को देखे, होठों को देखे, गले को देखे, हृदय कमल को देखे, नख से सिख तक कुछ और ही होता है। इसलिए कहते हैं, ए अमल क्यों उतरी जाको हक बका सुख देत। महामती जी की आत्मा कह रही है, जिसको अक्षरातीत अखंड सुख देते हैं उसका नशा कैसे उतर सकता है। आपने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई दिल्ली की खा ली, जब तक जीवा पर रहेगी तभी तक तो उसका आनंद आएगा। जीवा से नीचे गले में जैसे ही वो पेट में गई मिठाई, फिर खाने की इच्छा तो हो सकती है लेकिन उसका स्वाद नहीं। आपने एक हीरो का हार पहन लिया, कितने देर के लिए आनंद मिलेगा? थोड़े देर के लिए पहने रहेंगे अच्छा लगेगा, अगले दिन उसे भी अच्छा हीरो का हार मिल जाए तो पुराने वाले हार को अब किनारे कर देंगे। संसार की यही कहानी है। एक भी आपकी आत्मा का तार राज्य के हृदय से जुड़ गया तो परिणाम क्या होगा? राज्य के हृदय में जो कुछ है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, ज्ञान है, मूल संबंध है, उसका रस आपकी आत्मा में अखंड रूप से प्रवाहित होने लगेगा। जैसे पावर हाउस से या ट्रांसफार्मर से आपके घर में विद्युत का प्रवाह जब जोड़ दिया जाता है तो वहां से विद्युत धारा अबाध रूप से प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही आपने चितवनी में माया से परे अपनी अंतर्दृष्टि को कर लिया और राज्य को अपने हृदय मंदिर में बसा लिया तो राज्य के हृदय का सारा प्रेम आनंद आपका हो गया। कितना बड़ा वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है, कितना रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन हम सुंदर साथ इसके प्रति पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं कि उस आनंद को हमें लूटना है, और जो संकल्पित नहीं होते हैं कि उस आनंद को हमें लूटना है, और जो आनंद नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, एक अंधी दौड़ है। हम सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम ये कर लें, इससे सुखी हो जाएंगे। सुंदर साध्वी जब राज्य का दर्शन करने जाते हैं, अभी पन्ना जी जाएंगे फर्स्ट डे के नाम पर, वो सोचते हैं कि 31 दिसंबर को पन्ना जी रहेंगे तो हमारा पूरा साल शुभ बीतेगा। आप जाइए, दर्शन कीजिए, सब अच्छा है, लेकिन यह तो सोचिए कि एक दिन के दर्शन करने से पूरा साल कैसे रहेगा। आपके पास तो अष्ट पहाड़ 64 घड़ी वही अक्षरातीत आपके हृदय मंदिर में विराजमान है, जो पन्ना जी में, गुम्बर जी में, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान। आप एक दिन दर्शन करके गए और 364 दिनों के लिए भुला दिया तो ये प्रेम थोड़े का है। आप एक दिन दर्शन करके गए और 364 दिनों के लिए भुला दिया तो ये प्रेम थोड़े का है। प्रेम तो हुआ है अष्ट पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। क्या राधा ने एक दिन कृष्ण को देख करके हमेशा के लिए भुला दिया? प्रेम उसको कहते हैं जैसे चंद्रमा से चांदी कभी अलग नहीं हो सकती, सागर से लहरें अलग नहीं हो सकती। प्रेम उसको कहते हैं जिसमें कभी वियोग हो ही नहीं,
अब पन्ना जी गए या ना गए, आपके हृदय में तो पन्ना जी वाला बैठता है। आप अपनी आंखें बंद करके प्रतिदिन उसको क्यों नहीं निहारते? प्रतिदिन वो आनंद आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में लूटिए और आपके और धनी के बीच में माया कभी बाधक नहीं बनती। बाधाएं आप खड़ी कर रखे हैं क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि अभी बंद है, आप स्वयं को नहीं जान पाते हैं। स्वयं को आपने अपने एक शरीर में कैद कर लिया है। जब तक शरीर के कैद खाने से, शरीर और संसार के मोह से, तब तक आपके लिए अखंड का दरवाजा नहीं खुलेगा। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपना हृदय राज्य को दे दीजिए। जिस क्षण अपना हृदय राज्य को दे देंगे, आप संसार के लिए चिंता करना बंद कर देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? आपको चिंता है धन की, आपको चिंता है प्रतिष्ठा की, आपको चिंता है संगे संबंधियों से मेरा घनिष्ठ संबंध बना रहा है। इसी की तो चिंता करते हैं कि पत्नी न रूठे, पति न रूठे, संगे संबंधी नहीं रूठे। आप जो आपका प्राणेश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्व अंतर्यामी है, सकल गुण निधान है, उसको अपना हृदय दे दीजिए। प्रतिदिन अपनी आत्मा के धाम हृदय में पुकारा कीजिए। फिर देखिए, जब सारे आनंद का सागर, प्रेम का सागर आपके हृदय में बसा रहेगा, फिर कमी किस चीज की रहेगी? चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवा, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई सांसा, आप मुरझाए मुरझाए, क्योंकि आपका संबंध अखंड से हो गया है। प्राणेश्वर अक्षरातीत अब आपसे प्रेम करता है। आपके धाम हृदय में अष्टपहर 64 घड़ी आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान रहता है। राज्य ने तो परम धाम का अखंड सुख इस संसार में भी हमें वैसे ही दिया है जैसे परम धाम में देते रहे। हम सोचते हैं कि परम धाम में जाकर लेंगे, परम धाम में जब जाएंगे तो लेंगे, लेकिन जब तक इस संसार में जागरणी लीला चल रही है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अखंड अधिकार है कि संसार में बैठे बैठे परम धाम के सभी सुखों का रसपान करें। आपका प्रीतम जो परम धाम वाला है, जिस नक्षिक से सिंगार से सजकर मूल मिलावे में बैठता है, वही मूल मिलावा आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी है। सिंगार के दूसरे प्रकरण में यह बात दर्शाई गई है। जिस आत्मा का हृदय धनी का धाम होता है, उसमें रंग महल भी उसके आत्मा के धाम हृदय में, सभी 12,000 सखियां युगल स्वरूप सहित उसके धाम हृदय में विराजमान होती है। लेकिन विवेक की आवश्यकता है कि हम अपनी अंतर्देश से देखें, बाहर की आंखों से समझ में नहीं आएगा। जैसे एक आम का वृक्ष है, पत्ते को सूंघेंगे तो भी आम की सुगंध आएगी, उसकी बौर को सूंघेंगे तब भी सुगंध आएगी, छाल को सूंघेंगे तो भी सुगंध आएगी। वैसे ही अक्षरातीत के चरण कमलों का ध्यान कीजिए या मुखारविंद का ध्यान कीजिए, आपके भावों के अनुसार ये सब कुछ वाणी में अलग अलग तरह से सरल करके दर्शाया गया है कि हमारी आत्मा किसी भी तरह से राज्य के नक्श से सिख तक की शोभा में डूबे। इसलिए एक बार न कहकर 7 बार धाम धनी ने अपना श्रृंगार स्वयं वर्णित किया है कि माया की नींद हमारी हटे, हम अपने जीव से पुरुषार्थ करना सीखें, जीव से समर्पण की भावना सीखें। और ब्रज की लीला में भी प्रेम इसीलिए करके दिखाया गया है कि ब्रज की लीला में यदि गोपियों की समर्पण भावना हमने नहीं सीखी, प्रेम की भावना नहीं सीखी, तो शायद जागने का ब्रह्मांड हमारे लिए अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जागने के ब्रह्मांड में हमें महान लक्ष्य प्राप्त करना है। ब्रज में था केवल प्रेम की लीला होती रही, प्रेम था लक्ष्य नहीं था, परम धाम का ज्ञान नहीं था। निद्रा में प्रेम लीला होती रही, अब वाणी के प्रकाश से जागृत होकर हम जागृत अवस्था में राज्य से प्रेम करते हैं, तो यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में हम घुमा करेंगे जैसे पहले घुमा करते थे। यहीं बैठे बैठे नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखेंगे। यहीं बैठे बैठे परम धाम का सारा आनंद हम पाएंगे, लेकिन अवसकेंगे। यहीं बैठे बैठे परम धाम का सारा आनंद हम पाएंगे, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने व्यवहार में बदलाव करने की। हम संसार को देखना बंद कर दें, कुछ समय के लिए तो देखना बंद ही करें। रात्रि के शून्य अंधकार में जब संसार सोया होता है, चाहे प्रातः का समय हो या रात्रि के सोने का समय हो,
हम सबसे कुछ समय के लिए अपने को अलग कर दें, अपना हृदय केवल राज्य के लिए रख दें कि राज्य मेरे हृदय में आपका ही वास होना है। आप तो हो लेकिन हमारी दृष्टि तो सबको देख रही है, माता को देख रही है, पिता को देख रही है, भाई बंधुओं को देख रही है, अपने शरीर को देख रही है, अपने जीव को देख रही है। इन सबसे हमें अलग कर दीजिए और ऐसी अवस्था में कर दीजिए कि मेरी आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार देकर आपको देखे और आप तो मुझे देख ही रही हो। नींद में तो मैं हूं, आप तो मुझे देख ही रही हो। नींद में तो मैं हूं, इस नींद से जगाने का उत्तरदायित्व तो आपका है। हमारा उत्तरदायित्व है केवल राज्य से विशुद्ध प्रेम करने का, और ऐसा प्रेम जिसमें लुटाने की भावना हो। जो स्वयं को लुटा देता है वो सब कुछ लूट लेता है, लेकिन जो लुटाना ही नहीं जानता अपने हृदय को, वो प्रेम का अधिकार खो देता है। हम भी राज्य के प्रेम का अधिकार खोए बैठे हैं। चौपाई में हमारे लिए कहा गया है, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगी रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हंसी सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य ने हमारे अंगों को बांध रखा है। तब तक हमारे अंग बंधे हुए हैं जब तक हम राज्य को अपना हृदय नहीं दे देते हैं। जिस क्षण हम राज्य को अपना हृदय दे देंगे और उनकी प्रेममयी चितवनी में डूब जाएंगे, नख से सिर तक राज्य के प्रेम भरी चितवनी में अपने को लगा देंगे, एक एक अंग की शोभा को हम देख लिए, हमें असफलता मिल सकती है। उस समय के लिए हमारा मन व्याकुल होकर भागता रहेगा, लेकिन एक ऐसा क्षण अवश्य आएगा, जैसे सागर के किनारे पत्थर पड़ा होता है, सागर की लहरें पत्थर से टकराती हैं और धीरे धीरे उस पत्थर को बालू में परिवर्तित कर देती हैं। वैसे ही हमारे प्रेम की लहरें हमारे मन को एक दिन शांत कर देंगी। हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। प्रेम और समर्पण की भाषा यदि हम नहीं सीख पाए तो इस जागनी ब्रह्मांड का हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। वाणी में क्या कहा है कि जो मासूक से जनाया देखा सुनिया न कही बात। राज्य को देखना, उनकी बातें सुनना और अपनी बातें कहना, ये तीन जागने के लक्ष्य हैं। सुखांग न लियो इन सेज को तय निर्फल गई जो रात। निर्फल गई जो रात का तात्पर्य इस जागनी ब्रह्मांड में हमारा आना ही निरर्थक हो जाएगा जिस दिन हमने ये काम तीनों नहीं किए। तो इन तीनों कामों में हमारा पहला लक्ष्य है राज्य को पाना, राज्य को देखना। हमको कह दिया जाता है अरे सेवा पूजा कर लो, क्या देखा जाएगा, देखोगे तो शरीर छूट जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता। सागर श्रृंगार की वाणी क्यों अवतरित हुई है? यदि राज्य को देखा ही नहीं जा सकता था तो इस सागर श्रृंगार की वाणी भी अवतरित नहीं होनी चाहिए। महामती जी ने स्वयं चितवनी करके बताया, छत्रसाल जी ने चितवनी की, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने चितवनी की, सभी परमहंसों ने चितवनी कर करके दर्शाया है कि जैसे मैंने किया है आने वाला सुंदर साथ भी इस मार्ग पर चले। और छठे दिन के लीला में जो राज्य को अपना हृदय देगा, राज्य के प्रेम में डुबाएगा स्वयं को, उसके लिए अक्षरातीत का अनंत प्रेम का दरवाजा खुला हुआ है। अक्षरातीत के हृदय का अनंत सागर हमारी बाट देकर आया, और यदि हमें उसमें प्रवेश नहीं करना चाहे तो इसके लिए हम ही दोषी हैं। महापाठ देकर आए और यदि हमें उसमें प्रवेश नहीं करना चाहे तो इसके लिए हम ही दोषी हैं। महामती जी के धाम हृदय से अवतरित इस श्रृंगार की वाणी ने हमारे लिए अखंड सुखों का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए जब सुंदर सा नारियल बांधते हैं, चूड़ियां चढ़ाते हैं, बागे चढ़ाते हैं, मेहर सागर का गोटा लेकर के रो रो करके पाठ करते हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत हंसी भी आती है कि बेचारे इन सुंदर साथ का क्या दोष है। इनको तो बताया ही ऐसा गया है कि तुम यही करो। जो अक्षरातीत आपके हृदय में बसता है उससे प्रेम के बदले आप भीख मांग रहे हो। उस पर आपका अधिकार नहीं है क्योंकि आपने उसको दिल ही नहीं दिया। यदि आप अपना दिल उसको दे दिए होते तो आपको हाथ जोड़कर भीख मांगना ही नहीं पड़ता। आपने अपना सब कुछ दे दिया तो वो तो आपके पीछे पीछे चलने वाला है। एक मक्खन के लिए नृत्य करता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाओ पार न पाए, ताई अहिर के छोहरिया छछियावर छाछी पर नाचना चाहे। तो आप सोचिए वही अक्षरातीत आपके हृदय में प्रत्यक्ष बैठा है, फिर आप सीधे उससे बातें क्यों नहीं करते? आप सीधे उसको प्रत्यक्ष देखने का साहस क्यों नहीं रखते? इसलिए क्योंकि आपको विश्वास नहीं है।
विश्वास करीने दौड़सी थे तातम का फल ले सी थे। पहले अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, ये चार चीजें तो आपको अपनानी पड़ेंगी। आप ये निछावर कीजिए, राज जी आपसे सोने का सिंहासन नहीं मांगते हैं, धन नहीं मांगते हैं, मिठाइयों के पैकेट नहीं मांगते, कपड़े नहीं मांगते, चार चीजें मांगते हैं, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम। और इसको लेकर आप राज्य की तरफ चलिए, आप एक और अटूट प्रेम, और इसको लेकर आप राज्य की तरफ चलिए, आप एक कदम चलेंगे राज्य हजार कदम चलकर आपके पास आएंगे। और चलेंगे क्या, वो तो माया का पर्दा हटाते रहेंगे। आप सोचते हैं कि हमारी चितवनी की ख्याति फैले, आप किसी को बताने का प्रयास नहीं कीजिए। राजी आप जो सोचते हैं उससे पहले उनको मालूम है। अपने हृदय का प्रेम छिपा कर रखिए ताकि मन में किसी तरह का अहंकार ना आ जाए। आप दूसरों से बताया करेंगे कि मैं इतना करता हूं, मैं इतना करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं अहंकार की ग्रंथि है। आप सब कुछ करके भी भूल जाइए कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम एक गहरा सागर है। प्रेम तो लुटना, स्वयं को लुटाना जानता है। और प्रेम के पथ पर चलकर यदि आप बार बार कहेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो इसका तात्पर्य है आप प्रेम से कोसों दूर हैं। प्रेम परब्रह्म का होता है, उसमें केवल स्वयं को सौंपा जाता है और सौंपने के बाद कुछ चाहत नहीं रखी जाती है। जैसे ब्रज की गोपियों ने इस माया के संसार में रहकर भी श्रीकृष्ण जी से प्रेम किया, मोह नहीं किया। श्रीकृष्ण जी के प्रेम में सब कुछ अपना लुटा दिया। उसको इतनी चिंता नहीं है कि अब हम बूढ़ी हो गई हैं, चला नहीं जाता, फिर भी अंतिम श्वास तक कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारती रहती है। ये तो प्रतिबिंब की सखियों की कहानी है। ब्रज की गोपियां तो एक पल भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। वही प्रेम हमें इस जागने के ब्रह्मांड में करना है। यदि हम प्रेम नहीं ले सके तो परम धाम में जागृत होने पर हम राज्य के सामने क्या मुंह दिखा सकते हैं। ब्रज में तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जागने में तो सब कुछ पता है। 25 पक्षों का ज्ञान होने के बाद भी, अष्टपर की लीला का ज्ञान होने के बाद भी, नख से सिख तक के श्रृंगार का भी पता होने के बाद भी यदि हम राज्य से प्रेम नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हम अक्षम्य अपराध के दोषी हैं और हमें अपने जीवन की सक्रियता को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब चुपाई दोहराई, जाको हक बता सुख देते, सो पल पल ए रस पीवते, फिर भी